Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। आप देख रहे हैं पाकिस्तान में मौजूद 285 तुर्क शहरियों को मुल्क बदरी का सामना है, लेकिन ये तुर्क अपने वतन वापस नहीं जाना चाहते। इस मामले पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे हम आज के शो में। प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ शामिल है, शुरू करते हैं व्यू 360। अमरीका के सदारती इंतखाबात में रूसी मुदाखलत की तहकीकात कहाँ तक पहुँची? The question is, who gave what to whom, as a result of these overtures? वाशिंगटन इस्लामाबाद का तावुन कैसे हासिल कर सकता है? बड़ा मुश्किल है ये कहना कि एक या दो या तीन अच्छी चीजें होने से मामलात बदल जाएंगे। और मेड इन पाकिस्तान में म्यूजिक म्यूजियम। अमेरिका में इस वक्त जो खबर हेडलाइंस बना रही है वो है साल 2016 के सदारती इंतखाबात में रूस की मुबैजरा मुदाखलत पर कई माह से जारी तहकीकात में होने वाली एक अहम पेशरफ्त। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ट्रंप की इलेक्शन मुहिम के मैनेजर पॉल मैनाफोर्ड आज खुद को हुकाम के हवाले कर देंगे। सहर माजिद इस वक्त कैपिटल हिल से हमारे साथ हैं। सहर, इससे पहले ग्रैंड ज्यूरी और फर्द जुर्म आयद करने के हवाले से खबरों पर वाशिंगटन में खासा रिएक्शन भी देखने में आ रहा था, क्या पेशरफ्त हुई उस मामले में? जी सारा, FBI के साबिक डायरेक्टर रॉबर्ट मलर की तहकीक के मुताबिक ये बात सामने आई है कि साल 2016 के अमरीकी सदारती इंतखाबात में रूस की मुदाखलत शामिल थी, और ये हकायक कुछ ऐसे हैं जिनके मुताबिक फर्द जुर्म आयद करना काफी है। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। अब तक स्पेशल काउंसिल रॉबर्ट मिलर की तहकीकात की तवज्जो रूस की जानिब से सन 2016 के अमरीकी इंतखाबात पर असरअंदाज होने की कोशिशों और उसकी ट्रंप कैंपेन के साथ किसी किस्म की साजबाज के सबूत तलाश करना रहा है। फर्द जुर्म लगाए जाने का मतलब होगा कि इन तहकीकात से ऐसे शवाहिद मिले हैं जिनसे एक ग्रैंड ज्यूरी को गिरफ्तारियों समेत किसी कानूनी कार्रवाई के लिए कायल किया जा सके। एक US केबल नेटवर्क ने सबसे पहले ये रिपोर्ट जुमे के रोज नशर की। जिसने भी ये खबर CNN को दी है उसने कानून तोड़ा है। ग्रैंड ज्यूरी से मुतालिक इन्फॉर्मेशन को लीक कर देना कानूनन जुर्म है। जिसने भी ये खबर CNN को दी है उसने कानून तोड़ा है। मुबैना रूसी मुदाखलत की तहकीकात में शुरू से ही ज्यादातर तवज्जो का मरकज सदर ट्रंप के कैंपेन मैनेजर पॉल मैनफर्ट रहे हैं। अगर ये पॉल मैनफर्ट हुए और जैसा कि बजाहिर उन्होंने लोगों को बताया है कि उन पर फर्द जुर्म लग सकती है, इससे हमें इन्वेस्टिगेशन से मुतालिक बहुत अहम सवाल का जवाब मिल सकता है। हम ये जानते हैं कि सदारती कैंपेन के दौरान रूस डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन टीम को हिलरी क्लिंटन के खिलाफ नुकसानदेह मालूमात देने की पेशकश के साथ राबितों की कोशिश कर रहा था। अब सवाल ये है कि इन कोशिशों के नतीजे में किसने किसको क्या मालूमात दी। दूसरी जानिब सदर ट्रंप ने ट्वीट्स के जरिए एक मरतबा फिर इन तहकीकात को जालसाजी और अपने खिलाफ साजिश करार दिया है। उन्होंने डेमोक्रेट्स पर यह इल्जाम आयद किया है कि डेमोक्रेट्स ने इस तहकीक के लिए एक साबिक बरतानवी इंटेलिजेंस ऑफिसर को फंडिंग दी, जिसके नतीजे में उन पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए गए हैं। हम तो अपनी जगह पर अटल हैं। अगर रूस के साथ किसी का गठजोड़ है तो वो है डेमोक्रेट्स और क्लिंटन्स। हमारी कैंपेन का रूस से कोई ताल्लुक नहीं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से की गई छानबीन से ये बात साबित हुई है कि रूस की तरफ से की जाने वाली हैकिंग से हिलरी क्लिंटन की कैंपेन को कोई मदद नहीं मिली है, बल्कि नुकसान ही पहुंचा है। इस हफ्ते मंगल के रोज सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव्स कैपिटल हिल पर जमा होंगे और इन प्लेटफॉर्म्स को मजीद महफूज बनाने की हिकमत अमली पर गौर करेंगे, ताकि किसी अमरीकी सियासी मुहिम में इनका गलत इस्तेमाल न हो सके। मुझे तश्वीश थी कि सोशल मीडिया कैंपेन्स इस खतरे के बारे में संजीदा नहीं थी, लेकिन मुझे यकीन है कि अब वो इस मामले की अहमियत समझती हैं। एनबीसी और वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक पोल के मुताबिक सदर ट्रंप की मकबूलियत में मजीद कमी सामने आई है। अब उनको पसंद करने वालों की शरह सिर्फ 38% रह गई है। इसी साल सितंबर में शरह 43% थी। हालांकि टैक्स रिफॉर्म के बायस आम अमरीकियों की मौशी हालत में कुछ बेहतरी की उम्मीद जरूर है, लेकिन सदर ट्रंप के पर्सनल कंडक्ट यानी कि उनके जाती तर्ज अमल के बायस लोग उनको ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं। जी सारा। सहर माजिद हमारे साथ थी कैपिटल हिल से, थैंक यू सहर फॉर दिस अपडेट। और हाल ही में अमरीकी वजीर खारजा रेक्स टिलरसन ने पाकिस्तान के दौरे में मीडिया से बात करते हुए कहा कि वाशिंगटन ने इस्लामाबाद से कोई मुतालबा नहीं किया, लेकिन अगर पाकिस्तान उसके साथ तआवुन नहीं करता तो वाशिंगटन दूसरे तरीके से अमल करेगा। वाशिंगटन इस्लामाबाद का तआवुन कैसे हासिल कर सकता है, इस बारे में साबिक सफारतकारों की राय पेश कर रही है नीलोफर मुगल।
पाकिस्तान की गैर नेटो इत्तेहादी की हैसियत खत्म कर दी जाए, पाकिस्तान को इमदाद देना बंद कर दी जाए। अगर पाकिस्तान दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही बंद नहीं करता तो अमरीका सख्त कार्रवाई कर सकता है, जिनमें पाकिस्तान में ड्रोन हमलों में इजाफा भी शामिल है। ये वो बयानात हैं जो सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत कई आला अमरीकी अहदेदार हालिया दिनों में दे चुके हैं। वाशिंगटन के तहकीकी इदारे यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में बात करते हुए साबिक अमरीकी सफारतकार जलमे खलीलजाद ने भी कहा कि पाकिस्तान के साथ सफारतकारी के अंदाज में सख्ती अमरीका के लिए आखिरी हरबा है। पाकिस्तान के कुछ लोगों को ताजिरात की फहरिस्त में डाला जाए ताकि वो अमेरिका सफर ना कर सकें। कुछ के बैंक अकाउंट भी मुंजमद किए जा सकते हैं, लिहाजा इकदाम की एक तवील फहरिस्त है जो कि किए जा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ट्रैक टू डिप्लोमेसी में किरदार अदा करने वाली साबिक अमरीकी सफारतकार रॉबिन रैफेल के ख्याल में दबाव बढ़ाने के अलावा भी कुछ रास्ते हैं। मेरे ख्याल में सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान और अमरीका जज्बाती ना हो, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात में ज्यादा समझदारी और ईमानदारी होनी चाहिए और एक दूसरे को ये बताने से खौफजदा ना हो कि उनकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्या है। हाल ही में 5 साल से मगवी कनेडियन अमेरिकन खानदान की बाजियाबी में पाकिस्तानी हुकूमत और फौज के किरदार को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत कई आला अहदेदारों ने सराहा, लेकिन क्या ये गर्मजोशी ताल्लुकात में बेहतरी की अलामत है? इस ताल्लुक में जो दरारें हैं, जो मसाइल हैं, जो डाइवर्जेंस है, वो वहीं की वहीं है। सिर्फ दो मुलाकातों से वो चेंज नहीं होगी, इसमें बहुत सी चीज़ें तब्दील होने वाली हैं। और इस ताल्लुक में मिसट्रस्ट इतना ज़्यादा है दोनों तरफ कि बड़ा मुश्किल है ये कहना कि एक या दो या तीन अच्छी चीजें होने से मामलात बदल जाएंगे। अक्वामे मुत्तहिदा के लिए अमरीकी सफीर निकी हेली कह चुकी हैं कि भारत पाकिस्तान पर नजर रखकर अमरीका की मदद कर सकता है। ऐसे बयानात पाक अमेरिका ताल्लुकात में मौजूद दरारों को मजीद नुमाया ही करते हैं, लेकिन अमरीका के साबिक डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस विक्रम सिंह कहते हैं कि भारत और अमरीका का इत्तेहाद नई बात नहीं। ये कोई मुख्तलिफ पॉलिसी नहीं है, ये एक तसलसल है। भारत और अमरीका की दिफाई शराकत दारी में कोई तब्दीली नहीं आई। माहिरीन का कहना है कि अमरीका पाकिस्तान के सर पर बंदूक रखकर मुतालबात मनवा भी ले तो भी ये एक वक्ती हल होगा, जबकि दोनों ममालिक को अहम मामलात पर एक नुक्ते पर लाने के लिए लचकदार हिकमत अमली की जरूरत होगी जो जमीनी हालात के साथ मुसलसल बदले। नीलोफर मुगल, उर्दू वीओए, वाशिंगटन। पाकिस्तान के बाद चलते हैं मशरिक वस्ता। इराक के कुर्दिस्तान के सदर मसूद बरजानी ने 1 नवंबर को अपना ओहदा छोड़ देने का ऐलान किया है। बरजानी 2005 से इराकी कुर्दों की क्यादत कर रहे थे। उनका कहना था कि 25 सितंबर को कुर्दिस्तान की आज़ादी के हक में रेफरेंडम को बगदाद ने उन इलाकों पर कब्जा करने का बहाना बना लिया है जिनका दाइश के खिलाफ लड़ाई में कुर्द पेशमर्गा फोर्सेज ने कंट्रोल संभाल लिया था। बरजानी के इस ऐलान के बाद मुजाहिरीन ने इरबिल में इराकी कुर्दिस्तान की पार्लियामेंट पर धावा बोलकर अराकीन पार्लियामान और सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाया। बगदाद इराक कुर्दिस्तान के रेफरेंडम को गैर आइनी करार देकर मुस्तरद कर चुका है और सरहदों और एयरपोर्ट्स के अलावा तेल के कई अहम जखायर का कंट्रोल भी कुर्द फोर्सेस से लड़ाई के बाद अब बगदाद के पास है। और सऊदी अरब के वजीर खारजा ने इल्जाम आयद किया है कि यमन में बहरान के खात्मे की राह में ईरान एक बड़ी रुकावट है। इस खबर की तफसीलात समेत दुनिया भर से और बहुत सी ताज़ा तरीन खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट उर्दू voa.com पर, जहाँ बहुत से मुख्तलिफ मौजूदात पर फीचर्स और वीडियो रिपोर्ट्स भी मौजूद होती हैं। और हर पीर की तरह आज के शो में भी हमारा खसूसी सेगमेंट मेड इन पाकिस्तान शामिल है, जिसमें हम आपको लेके जाएंगे लाहौर के एक मुनफरद अजायब घर में। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं अहम बैन अवी खबरों पर हमारे सेगमेंट वर्ल्ड व्यू में। फ्रांस के दारुलहकूमत पेरिस और दीगर के शहरों में सैकड़ों खवातीन ने जिंसी तौर पर हरासा किए जाने के खिलाफ एक बड़ी रैली निकाली। अमेरिका से शुरू होने वाली मुहिम मीटू के बाद फ्रांसीसी खवातीन ने भी जिंसी ज्यादतियों पर मबनी रवैयों के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दी है। चीन का कहना है कि वो स्पेन की जानिब से मुल्की इत्तेहाद और मुल्क को तोड़ने की कोशिशें रोकने की कार्रवाइयों को सराहता है। स्पेन ने इलाहदगी का ऐलान करने वाले खुदमुख्तार इलाके कैटालोनिया की हुकूमत को तहलील करके इलाके का कंट्रोल संभाल लिया है। सऊदी अरब की सरकारी एयरलाइन सऊदी एयरलाइंस के मुताबिक उसने 27 साल बाद इराक के लिए परवाजों का आगाज कर दिया है। 1990 में सद्दाम हुसैन की जानिब से कुवैत पर हमले के बाद से सऊदी अरब ने इराक के लिए अपनी फ्लाइट्स बंद कर रखी थी। बांग्लादेश में रोहिंग्या पनाहगुजीनों के लिए बनाए गए कैंप में जोकरों की एक परफॉर्मेंस ने म्यांमार में जुल्म से भागे हुए खौफजदा बच्चों में खुशी की लहर दौड़ा दी। बांग्लादेशी थिएटर ग्रुप का कहना है कि वो ड्रामा थेरेपी के जरिए लोगों की परेशानियाँ दूर करना चाहते हैं।
पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कई सालों से पाक टर्क स्कूल्स और कॉलेजेस चलाए जा रहे हैं। 2006 में इन्हें सदर पाकिस्तान की जानिब से सितारा ईसार से भी नवाजा गया था। पिछले साल नवंबर में हुकूमत पाकिस्तान ने इन तालीमी इदारों में काम करने वाले तुर्क शहरियों के वीजों में तौसी से इनकार कर दिया। ये तालीमी इदारे तुर्क रहनुमा फतेहुल्लाह गुलन की हिजमत फाउंडेशन से मुंसलिक हैं, जिन्हें तुर्क हुकूमत दहशतगर्द करार दे चुकी है। पाकिस्तान में रहने वाले तुर्कों का मौकफ है कि अगर वो अपने वतन वापस गए तो उन्हें गिरफ्तारियों, पूछगछ और जेल का सामना हो सकता है। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान में अदालत से रुजू किया, जिसने उन्हें मुल्क में रहने की इजाजत दी, जबकि अक़वामे मुत्तहिदा का इदारा बराए पनाह गुज़ीन उन्हें असाइलम दिलाने की कार्रवाई कर रहा है। लेकिन 14 अक्टूबर को इस इदारे के डायरेक्टर मसूद कचमास को उनके खानदान समेत अचानक पाकिस्तान से निकाल दिया गया। मसूद इस वक्त अनकरा की एक जेल में है। इससे पहले कि हम इन वजूहात का जायजा लें जिनके बायस पाकिस्तान में रहने वाले तुर्क शहरी अपने वतन वापस नहीं जाना चाहते और ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान इस बारे में अलार्म बेल्स रेज कर रही है, ये जानते हैं कि पाकिस्तान में मुकीम 285 तुर्क बाशिंदे इस वक्त कैसी कैफियत से गुजर रहे हैं। हमारे साथ हैं उनकी एक कॉलीग गालिया नजर भट्टी, जो कि पाक टर्क स्कूल्स की इस्लामाबाद में एक ब्रांच की प्रिंसिपल हैं। गालिया, ये बताइएगा कि मैनेजमेंट तो इन स्कूल्स की पाकिस्तानियों ने संभाल ली है, लेकिन जो तुर्क बाशिंदे आपके कॉलीग्स रह चुके हैं, उनकी क्या सूरत हाल है इस वक्त? देखिए, उस वक्त वो बेयारो मददगार हैं। जो महाजरीन के हालात होते हैं वो उन्हीं हालात का शिकार हैं। पैसे उनके पास है नहीं, जॉब उनके पास है नहीं, मुल्क से वो धुतकार दिए गए हैं, तो उनके क्या हालात हो सकते हैं। बच्चे उनके स्कूल नहीं जा रहे, खाने पीने को कुछ नहीं है, और अपनी मदद आपके तहत वो कुछ ना कुछ कर रहे होंगे यकीनन। क्या आप लोग उनकी कोई मदद कर पा रहे हैं? देखिए, हम लोग क्या मदद कर सकते हैं, हम सिर्फ उनके लिए दुआ कर रहे हैं, क्योंकि मतलब देखिए, मदद करने की सूरत में हमारे लिए भी कुछ परेशानियों का सबब ये बन सकता है। अच्छा, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है HRCP, वो तो कह रहा है कि ये एक इंसानी हकूक के हवाले से बहुत खतरनाक सूरत हाल होगी जिसका सामना ये लोग कर रहे हैं, और अगर इनको वापस भेज दिया गया, आप मुझे ये बताइए कि उनके दोस्तों के तौर पे आपके ख्याल में अगर इन लोगों को मुल्क से बाहर भेज दिया जाता है तो क्या नुकसान होगा सोसाइटी को और उन इंस्टीट्यूशन को जिन्हें ये लोग चला रहे थे? देखिए, जैसे दुनिया से लोग चले भी जाते हैं तो दुनिया कायम रहती है। इंस्टीट्यूशंस तो पाकिस्तानी लोगों ने संभाल लिए हैं, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको उसी मयार के मुताबिक चलाते रहें जिस तरह से ये लोग चला रहे थे। मगर जब तक हम इसको उस तनाजर में देखते हैं कि इन इदारों को बनाने वाले, ये काम शुरू करने वाले ये लोग ही थे, ये बुनियादें इन्होंने ही रखी हैं, हमें ये लोग साथ लेकर चल रहे थे, तो उस लिहाज से हमारे लिए बहुत तकलीफ का बायस होता है। हाँ, अगर ये लोग चले भी जाएंगे तो स्कूल इंशाल्लाह हम यही चाहते हैं कि हम लोग भी चलाते, ठीक स्कूल चलते रहेंगे, और आपकी कोशिश यही है कि उनको आप अच्छे तरीके से चलाते रहें। बहरहाल, आप उनके लिए दुआ गो हैं। गालिया, बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करने का। और तुर्की के हालात कैसे हैं कि तुर्क शहरी अपने वतन वापस जाने में खतरा महसूस कर रहे हैं, इस बारे में हम तफसीलात लेंगे वॉइस ऑफ अमेरिका की तुर्क सर्विस के सहाफी मेहमत रुगुलू से। मेहमत, वेलकम टू व्यू 360। What's going on in Turkey right now that's making these people who are living in Pakistan afraid of going back? Well, because they're afraid. People are afraid. Now the Gulen is, Fethullah Gulen is right now the number one threat in the eyes of the Turkish government right now. It's on the top of the list at the terrorist organizations. So there's a wide-scale crackdown on people affiliated with Fethullah Gulen. People get fired if they found to be known to be connections, or they're a sympathizer to Gulen. They're getting fired. There's a big purge going on right now, and there have been arrests, many arrests, as you know, especially if you're in critical positions. So, and also there's the social pressure. I'm hearing stories coming from Turkey that people are moving to other neighborhoods, for example, to conceal their identities, to conceal their, if they had connection to Gulen in their past, to conceal that they're moving. So, and there are roughly 50,000 people in jails right now. Yes. Okay. So, issue is वक्त ये है कि जो फतेहुल्लाह गुलन, जिनका हमने जिक्र भी किया कि उनकी हिजमत फाउंडेशन ये स्कूल्स और कॉलेजेस चला रही है, उनको और उनके इदारों को इस वक्त तुर्क हुकूमत अपना सबसे बड़ा दुश्मन, अपने लिए सबसे बड़ा खतरा समझती है, और इसलिए उनसे मुंसलिक अफराद पे क्रैक डाउन हो रहा है। और मेहमत का कहना है कि बहुत से लोग जो इस वक्त तुर्की में हैं, उन्होंने अपने इलाके बदल लिए हैं ताकि उनकी शनाख्त ना की जा सके, और 50,000 के करीब इस वक्त अफराद हैं जो इनसे मुंसलिक थे और दूसरे अहम ओहदों पर तुर्की में फायज हैं, लेकिन वो इस वक्त जेलों में हैं। सो
Fethullah Gulen and President Erdogan used to be allies. What happened that caused this rift? Yeah, it was actually, let me say, it was a marriage of convenience. These two never shared the same ideology. That bond was never a bond that came deep from the heart. It was rather common goals that brought them together. And the first and foremost common goal was to curtail the military's grip. And they did that. But then, as the years passed, some differences of opinion on Erdogan's policies started to emerge. The first example I remember is the Mavi Marmara flotilla incident, for example. Gulen clearly expressed a different opinion than Erdogan. So that was, and then came the decision to close the Gulen preparatory schools, and also the phone tapping, leaking of phone tapings of Turkish government officials was a big blow. So there was a corruption scandal too that basically Erdogan was concerned that Gulen accumulated so much power in the critical, for example, in the judiciary, in police force. Okay. So they saw he saw them as a threat to his authority. He had bad intentions, he thought. All right. So Fethullah Gulen and Turk Sadr Erdogan, both were allies with each other. They had a gut jod. But Mehmet Kaji says that this gut jod was not only because of their goals, but their views were never the same. थे जो मकासद एक जैसे थे उनमें एक तो फौज का जो दायरा इख्तियार था उसको महदूद करना शामिल था लेकिन उसके बाद सदर अरदवान को ये अंदेशा होने लग गया कि फतेहुल्लाह गुलन के पास बहुत ज्यादा ताकत आ गई है बहुत इख्तियार हो गए हैं और बहुत से मुख्तलिफ इदारों में वो लोग बैठे हैं जो उनकी हिमायत करते हैं सो हाउ हैज द पोलिटिकल सिचुएशन इवॉल्व्ड इफ यू कैन टेल अस ब्रीफली सिंस लास्ट ईयर्स फेल्ड कूप Yeah, tension is very high in the country. There is a huge polarization. It's a black and white situation. State of emergency is still in action after the coup attempt. Mm-hmm. And the criticism is that President Erdogan is using the post-coup environment to and state of emergency, of course, as an opportunity to silence the opposition, to consolidate his power. To have the full control of the police and judiciary and basically to turn the country into the one-man rule. But from the government perspective, of course, this was an extraordinary thing. Mm-hmm. You know, the coup attempt, helicopters right. firing on people, so mm-hmm. strong steps were needed. Mm-hmm. All right. So, पिछले साल जो नाकाम कोशिश की गई सदर अरदवान की हुकूमत को हटाने की उसके बाद से तुर्की की जो सियासी सूरत हाल है वो बहुत ही कशीदा है कई हजारों लोग अफराद जैसे हमने पहले भी कहा कई हजार अफराद जेलों में हैं और जो वाकयात हुए उनको टर्किश अवाम ने उस कूप को तो टर्किश अवाम ने सपोर्ट नहीं किया लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें ऐसा लग रहा है जैसे सदर अरदवान एक वन मैन रूल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और जो सूरत हाल है उस पर उनका काफ़ी हद तक कंट्रोल है मोहम्मद थैंक यू वेरी मच फॉर अपडेटिंग अस ऑन दिस सो इस वक्त जो पाकिस्तान के तनाजुर में अगर सूरत हाल देखी जाए तो उसके बारे में हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन डॉक्टर मेहदी हसन से डॉक्टर मेहदी हसन वेलकम टू व्यू 360 आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं जी शुक्रिया बहुत जी एचआरसीपी का कहना है कि ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है जिसका सामना इस वक्त 285 तुर्क बाशिंदे पाकिस्तान में कर रहे हैं डिपोर्टेशन का उनको खतरा है पाकिस्तान के बहुत गहरे ताल्लुकात हैं तुर्की के साथ सदर अरदवान के साथ आप कैसे इस सिचुएशन को डेवलप होता देख रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के लिए पॉलिटिकली भी तो ये एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है देखिए बात ये है मैं ये समझता हूँ कि दो मुल्कों के दो रियासतों के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो रियासत लेवल पे होने चाहिए वो हुकूमत के लेवल पे होने चाहिए पर्सनल लेवल पे नहीं होने चाहिए अगर तुर्की के सदर की कोई पॉलिसीज ऐसी हैं जो वहाँ कुछ लोगों को तुर्की में पसंद नहीं है तो पाकिस्तान को उसमें पार्टी नहीं बनना चाहिए तो क्या जिम्मेदारी आप देखते हैं हुकूमत पाकिस्तान की इन अफराद की जानिब कुछ अदालतों ने भी इनको जहाँ रहने की इजाज़त दी असाइलम सीकर के सर्टिफिकेट्स इनके पास हैं गवर्नमेंट क्या कर सकती है जी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उनको जो अदालत ने इजाज़त दी है उसको ऑनर करे और उनको यहाँ से ज़बरदस्ती बाहर भेजने की कोशिश ना करे वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में भी आता है और उसको ये भी कहा जा सकता है कि अदालत के फैसले को तस्लीम नहीं कर रही हुकूमत ये काम मुनासिब नहीं है दूसरी बात ये है जहाँ तक ह्यूमन राइट्स का ताल्लुक है कि अगर उनको तुर्की जाने के बाद कोई खदशा है कि उनके खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई की जाएगी तो उसका ख्याल रखना ज़रूरी है क्योंकि वो यहाँ
काफ़ी अरसे से काम कर रहे थे और अच्छा काम कर रहे थे, वो तालीम के महकमे से मुंसलिक थे और बहुत अच्छी तालीमी सरगर्मी। HRCP इस मामले को उठा रहा है इंसानी हकूक के हवाले से, ये इशू पाकिस्तान के लिए क्या मानी रखता है, अगर आप मुझे मुख्तसर बता सकें। पाकिस्तान की बात यह है, देखिए कि पाकिस्तान ने जैसा कहा कि दो मुल्कों के ताल्लुकात जो हैं वो शख्सियात के ताल्लुकात के हवाले से इंटरप्रेट नहीं होने चाहिए, वो रियासत के हवाले सुन चाहिए। डॉक्टर मेहदी हसन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए वक्त निकाला। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ऐसे अजायब घर तो हैं जहाँ इलाकाई तारीख और सकाफत को महफूज किया गया है और वहाँ मौसीकी के साज भी नजर आते हैं, लेकिन अब लाहौर में बनने जा रहा है मुल्क का पहला म्यूजिक म्यूजियम। वहाँ क्या कुछ रखा जाएगा, आइए देखते हैं इस हफ्ते के मेड इन पाकिस्तान में। मेरा नाम जुम तारा है, मैं आर्कियोलॉजिस्ट हूँ। म्यूजिक जो है ये इनबिल्ट मेरे अंदर है। ऑब्जेक्ट होते थे ज़मीन के अंदर जो दबे हुए होते थे, उनको निकालना एक्सक्वेशन के जरिए, तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं हमें जो मिलती हैं गंधारा में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, मेहरगढ़ में, वो उस इसमें से म्यूज़िक के भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो उसे ड्राइव होती हैं, लेकिन उन चीज़ों को हम प्राइवेटली कहीं डिस्प्ले नहीं कर सकते। चूँकि मेरा सब्जेक्ट है हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म और प्री हिस्टोरिक स्टडीज़, तो ये बेसिकली हिंदुइज्म से ड्राइव हुआ है ये म्यूज़िक। ये सारी जो इंस्ट्रूमेंट है ये मैंने खुद परचेज किए, बलूचिस्तान है, डेरा भट्टी के ये सरंदे हैं मेरे पास, सरोज हैं, और थरपारकर के और लाटकाड़ा के जो स्पर्ब हैं, और इसमें जो इंटीरियर सिंध के इंस्ट्रूमेंट हैं, फोक इंस्ट्रूमेंट, ट्राइबल इंस्ट्रूमेंट वो हैं इसके अंदर, पंजाब के तो हैं ही हमारे पास, फिर गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, कैलाश के, ये पूरा पाकिस्तान के अंदर, और ये वो लास्ट मैं समझता हूँ कि एक वो लॉट है इंस्ट्रूमेंट की जो भी मैं इकट्ठी कर रहा हूँ। हुकूमती सतह पे म्यूज़िक की हिस्ट्री के ऊपर वो ऐसा कोई भी म्यूज़ियम नहीं है पाकिस्तान के अंदर। ये जो म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम ऑफ म्यूज़िकोलॉजी, ये पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहला म्यूज़ियम है। संतूर है, दिलरुबा है, इसराज है, पखावज है, मृदंग है, ये हमारे इस नॉर्दर्न इंडिया जो है उसमें ये बड़े दैट वॉज अ वेरी कॉमन इंस्ट्रूमेंट बिफोर 1947। तो उसके बाद ये आस्ता आस्ता ग्रेजुअली ये एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। पब्लिक के लिए ओपन म्यूजियम होगा, इसमें ना सिर्फ ये कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का डिस्प्ले है, बल्कि कोई तकरीबन 200 के करीब ऐसी नायाब बुक्स हैं जो पुराने 400 साल पुराने गवैये हैं, उनकी बाकायदा डिफरेंट रेफरेंसेज से उनके नाम निकालना, उनके फोटोज जो है वो आर्काइव से निकालना, तो उसको ये भी डिस्प्ले पे होंगी। तो ये हमारा कल्चर है, इसको हमने महफूज करना है, आइंदा नस्लों तक इसको बचा के रखना है, और इसी की प्रमोशन के लिए हमें इन लोगों की भी वेलफेयर करनी है जो इसके साथ जुड़े। ये था हमारा आज का View 360। फीडबैक देने के लिए आइए facebook.com/voaurdu पर, और हमारा ट्विटर हैंडल है @urduvoa। सारा जमान को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।